बिल्कुल कल जो है हमारा गाना जो है वो रिलीज़ हुआ है और नाम है बेपनाह प्यार, तो उससे अभी जो है बहुत बेपनाह प्यार मिल रहा है। ऑलरेडी काफ़ी कुछ आई थिंक 5-6 मिलियन हो चुका है आई थिंक कुछ ही घंटों में, तो अच्छा गाना है बहुत। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि आप लोग आए हैं यहाँ पे, आप लोग तो खैर परिवार की तरह ही हैं, लेकिन जेन्युइनली गाना बहुत अच्छा है और 90s का जो एक जो ट्यून था उस टाइम वो वापस से आपको सुनने मिलेगा। जो मेलोडी है, जो जो गाना जो मतलब जो जो जिन्होंने गाया है दोनों सिंगर्स, बहुत कमाल का गाया है। और उसके बाद फिर आपको सुर भी और मैं हम दोनों गाने में हैं और वायरल जो है कंपनी ओरिजिनल्स उन्होंने वो इस गाने को लेकर आए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखने में मिलेंगी और बहुत इंटरेस्टिंग गाना शूट किया गया है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपको देखना पड़ेगा, लेकिन गाने की जो एक कॉन्सेप्ट है, जो स्टोरी है, वो भी बहुत कमाल की है। जो एंड में एक जो ट्विस्ट होता है वो भी आपको बहुत अनएक्सपेक्टेड है। तो एक एक फिल्म जो है आपको दिखेगी 3 मिनट में 3-3.5 मिनट में। ओके, सो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा गाने की शूटिंग के दौरान? देखिए ऐसा है कि हम लोग जो है टीवी की दुनिया से हैं और जो म्यूज़िक वीडियो होता है वो 3-3.5 मिनट में पूरी कहानी बतानी पड़ती है, तो जाहिर सी बात है प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है सबके ऊपर, मेकर के ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर, एक्टर्स के ऊपर, पूरी टीम के ऊपर। तो जब हमने ये गाना शूट किया तो जैसे मैंने आपसे कहा पूरी कहानी थी जो हमने 2 दिन में शूट की है, तो मज़ा बहुत आया, प्रेशर भी था, एक्साइटमेंट भी थी, लेकिन ओवरऑल जो है गाने का जो एंड प्रोडक्ट है बहुत कमाल कर रहा है। आप सच में आप मैं अपने आपसे कह रहा हूँ आई थिंक कुछ ही घंटे हुए हैं गाना सब जो है ट्रेंड हो रहा है, तो बस वही है कि आप लोग देखिए यार, हम आप लोग टाइम नहीं मिला तो प्लीज़ देखें, गाने का नाम है बेपनाह प्यार और उसे बेपनाह प्यार मिलना चाहिए। ओके, सुरभि और आपकी जोड़ी तो हमेशा से पसंद की जाती है, तो आप क्या कुछ बताना चाहेंगे सुरभि के साथ कैसी बॉन्डिंग शेयर करती हैं आप? देखिए सुरभि के साथ जो है मैं पहले भी काम कर चुका हूँ और हमारी जोड़ी जो है लोगों को बहुत पसंद आई, जो केमिस्ट्री जो है जिसे आप कहते हैं जो मैजिक जो है वो हमने कोशिश किया था कि हम नागिन में क्रिएट करें, जो नागिन जो 5 आया था चील और नागिन की जोड़ी, उसके बाद फिर हमें मौका मिला फिर से कुछ नया करने का, कुछ इंटरेस्टिंग करने का, तो लकली जो है जो वायरल ओरिजिनल्स हैं, जो मेकर्स हैं, जो पूरी टीम है, उन्हें लगा कि वापस से हमें साथ आना चाहिए, तो बस हम वापस साथ आए हैं। उसके बाद बाकी तो आपके सामने ही है सब कुछ। एंड लास्टली होली भी आ रही है, सो किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं? देखिए ऐसा है कि होली तो इस बार कुछ ज़्यादा नहीं होगी, होली तो मैं चाहूँगा कि हम लोग सब जो हैं हम लोग घर पर ही रहें और होली ना खेलें, क्योंकि जैसे पता है कि हमारे खास करके हमारे महाराष्ट्र में जो है कोविड बहुत ज़ोर शोर से फैल रहा है। और सुरभि भी आ गई है, हैप्पी होली, हैप्पी कलरफुल होली, आइए वो देखिए। कांग्रेचुलेशंस, ये देखिए, अरे अच्छा अगले पे देखिए, अभी से बता रही है मुझे। बहुत खुशी है यार, हम दोनों बहुत खुश हैं, हमारा साथ में पहला म्यूजिक वीडियो, सो वी वेरी हैप्पी और बहुत प्यार मिल रहा है एंड आई थिंक इट इज़ अनबिलीवेबल। हमने सोचा नहीं था क्योंकि थोड़ा सा रिस्क फैक्टर था, हमने जैसे शूट किया उसको थोड़ा फिल्मी स्टाइल किया, हमने 3 मिनट की पिक्चर दिखाई है, सो आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। बिल्कुल, आप दोनों की बॉन्डिंग को तो काफ़ी पसंद किया जा रहा है। वो क्या होता है, मैं इनको जानती नहीं हूँ, बिल्कुल मैं इनसे बात भी नहीं करती हूँ, मैं तो मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन फिर भी मैजिक क्रिएट हो जाता है तो सोचिए आप। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, या आई थिंक वी आर प्रीटी यू नो थिक टुगेदर एंड दैट्स अ गुड थिंग। उनके साथ मैं करती हूँ काम तो मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, आई होप यू हैव द सेम थिंग टू से। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक जैसे हम लोग कोशिश नहीं करते हैं आई थिंक चीज़ें हो जाती हैं, आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट, बहुत एफर्टलेस है। कई लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पता नहीं वो लोग कैसे इतनी मेहनत कर लेते हैं, बट हम लोग अच्छा काम जो है हम लोग मस्ती में और मज़े के साथ और सिंसियरली हम लोग कर लेते हैं और हो जाता है। मैम आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस गाने की शूटिंग के दौरान या फिर सबके साथ? बहुत अच्छा रहा यार, गाना बहुत ही सोलफुल है, बहुत ही अच्छी मेलोडी है, सॉफ्ट है, आज के ज़माने का गाना जैसा होता है वैसा नहीं है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक आई वॉन्ट टू यू नो आई वॉन्ट टू डू अ सॉन्ग विच इज़ जो लोगों के दिल को छू जाए, और वही हुआ और एक्सपीरियंस बहुत कमाल का था। वो शरद ऑफ कॉर्स, मतलब आई डोंट, इफ इट गोज़ विदाउट सेइंग द कम्फर्ट वी शेयर, इट शोज़ ऑन स्क्रीन, टच वुड, इससे ज़्यादा मैं बोलती हूँ ना फिर लोग नज़र लगा देते हैं यार। अब लोग हमसे पूछ रहे हैं पार्ट 2 कब आएगा,
तो पार्ट टू कब आएगा हम आपको अभी नहीं बताएंगे कि हमें भी नहीं पता। होली को लेकर ऑडियंस को क्या कुछ आप दोनों मैसेज देना चाहेंगे लास्ट? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि आई थिंक वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल, राइट? जी बिल्कुल। इसलिए अगर हम होली ऐसे नहीं घर पे ही मनाएं, अगर ऐसे नहीं मना सकते बाहर, तो देखो ऐसे कपड़े हम होली में ऐसे रंग बिरंगे कपड़े पहनेंगे और रंग बिरंगे ऐसे जूते पहनेंगे और रंग बिरंगे हम शब्दों के साथ आपकी रंग भर के लाएं। प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। हर साल होली आएगी, बट दिस टाइम वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। थैंक यू मैम, थैंक यू।